दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फुल्ली ओप अपडेट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के एग्जिट पोल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे बीजेपी जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भले ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखी हों, लेकिन बीजेपी जेडीयू के बीच भी सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ सामान्य नहीं है। हालांकि दोनों दल पटना से लेकर नई दिल्ली तक सीट बंटवारे पर मंथन कर रहे हैं। राज्य की 4 दर्जन से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जिस पर दोनों दलों के बीच तकरार है। दोनों ही दल उस पर अपना दावा ठोक रहे हैं। ये वो सीटें हैं जिस पर 2015 में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने थीं। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गठबंधन की खातिर अपनी 5 सीटें जेडीयू के लिए छोड़कर बड़ा दिल दिखाया था। अब बीजेपी जेडीयू से इसी तरह की उम्मीद विधानसभा चुनावों में कर रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2015 के विधानसभा चुनाव में 29 सीटों पर जेडीयू ने बीजेपी को हराकर जीत दर्ज की थी। इन सीटों पर बीजेपी नंबर 2 पर रही थी, जबकि 2 दर्जन सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी और जेडीयू नंबर 2 पर रही थी। इन सभी सीटों के बंटवारे पर दोनों दलों में अंदरूनी मतभेद है। सीट गठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे का एक पुराना सियासी फार्मूला रहा है। सीट अमूमन पार्टियां नहीं छोड़ती, उन्हें भरोसा होता है कि उनकी दोबारा जीत हो सकती है। 2015 में जिन 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर जेडीयू की जीत हुई थी और बीजेपी नंबर 2 पर रही थी, उनमें कोसी सीमांचल की अधिकांश सीटें हैं। खास बात यह है कि इन इलाकों में मुस्लिम आबादी का संकेंद्र अधिक है। इन सीटों पर सुपौल, रानीगंज, रुपौली, बेनीपुर, बिहारीगंज, कुचायकोट शामिल है। इनके अलावा सिकटा, फुलपरास, लौकहा, निर्मली, जीरादेई, दरौंदा, महाराजगंज, एकमा, महानार, मोरवा, सराय रंजन, मटिहानी, परबत्ता, गोपालपुर, अमरपुर, बेलहर, बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, अगियाँव, राजपुर, दिनारा और नबीनगर विधानसभा सीट शामिल हैं। इसी तरह बीजेपी ने जिन सीटों पर जीत दर्ज की थी और जेडीयू नंबर 2 पर रही थी, उनमें चंपारण इलाके की बगहा, नौतन, चनपटिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन सीट शामिल है। इनके अलावा सिकटी, कटिहार, जाले, कुड़नी, मुजफ्फरपुर, बैकुंठपुर, सीवान, अमनौर, लखीसराय, बाढ़, दीघा, बभुआ, गोह, गुरुआ, हिसुआ, बारिसली गंज और झाझा सीट शामिल है। वैसे दोनों दलों के बीच अभी तक सीट बंटवारे पर कोई फार्मूला नहीं बन सका है। जेडीयू चाहता है कि वो 115 सीटों पर लड़े और बीजेपी 128 सीटों पर लड़े, लेकिन शर्त यह है कि चिराग पासवान को बीजेपी अपने कोटे के अंदर से सीट दे। बदले में जेडीयू जीतन राम मांझी को अपने कोटे से सीट देगी। हालांकि बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि जेडीयू ही बड़े भाई की भूमिका में रहेगा और एक सीट ज़्यादा पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन इस पर सहमति बनती नहीं दिख रही है। आइए अब हम आपको वीडियो के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के एग्जिट पोल दिखाते हैं। दोस्तों सर्वे से साफ जाहिर है कि इस बार जेडीयू बीजेपी गठबंधन को सत्ता से हाथ धोना पड़ रहा है। सर्वे के मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को 140 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, वहीं जेडीयू बीजेपी गठबंधन सिर्फ 76 सीटों पर सिमटता दिखाई दे रहा है। वहीं अन्य के खाते में 27 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल रियल आंकड़े तो चुनाव बाद ही आएंगे, लेकिन चुनावी विशेषज्ञ अनुसार इस बार आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनना लगभग तय है।